हेलो रोहन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGHS की जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है कलकत्ता की। तो उसमें सिलेबस जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन आएंगे। 60-40 का पैटर्न होगा या आउट ऑफ 100 जो है वो क्वेश्चन टोपन पर ही पूछे जाएंगे। तो वैसे कुछ फिक्स नहीं है अभी तक जो है ऑफिशियल साइट पर, वैसे कोई सिलेबस कॉपी या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि कलकत्ता की जो पिछली सीरीज हुई थी तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ फार्मेसी पे ही पूछे थे। तो ऐसे भी हो सकता है कि अभी जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 27 दिसंबर को, तो उसमें 100 ऑफ 100 क्वेश्चन फार्मेसी भी हो सकते हैं, नहीं तो 60-40 का पैटर्न होगा। अभी तक जितने भी सीरीज हुई हैं, सीरीज का बात करोगे तो सीरीज दिल्ली, सीरीज हैदराबाद, महाराष्ट्र, तो पिछले सभी सीरीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 60-40 का अब तक जो है वो पैटर्न रहा है। मीन्स 60 क्वेश्चन जो है वो नॉन डोमेन पे, मीन्स अर्थमेटिक रीजनिंग, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, इस पे क्वेश्चन जो है वो 60 आते थे, और 40 मार्क का जो है वो डोमेन सिलेबस होता था जिसमें फार्मेसी के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब तक जितनी भी सीरीज हुई है प्रीवियस ईयर की, तो उसका अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो इस तरह का जो पैटर्न था वहाँ पे 60-40 का। लेकिन अभी जो होने वाली है वो 60-40 का भी पैटर्न उसमें आ सकता है, नहीं तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन भी फार्मेसी के हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले साल की जो सीरीज हुई थी अब तक, तो उसमें किस तरह का पैटर्न था और कौन से क्वेश्चन जो है उस सिलेबस में पॉइंट इंक्लूडिंग थे। तो आज मैं आपके साथ फुली जो सिलेबस कॉपी है वो डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये है सिलेबस CGHS रिक्रूटमेंट एग्जाम सिलेबस एलोपैथी फार्मासिस्ट का। प्रीवियस ईयर पहले कुछ एग्ज़ाम हुई थी CGHS की, तो इसमें ये जो है वो सिलेबस था पूरा। तो ये डिस्कस करेंगे वाले हैं आज। तो सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट है सिलेबस फॉर कॉमन सेक्शन अक्रॉस द पोस्ट, टोटल 60 मार्क। तो बेसिकली अभी तक जितने भी CGHS के पेपर हुए हैं तो वो 60-40 के अकॉर्डिंग ही हुए हैं। तो 60 क्वेश्चन जो है वो नॉन डोमेन मीन्स नॉन फार्मेसी के होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, करंट अफेयर होते हैं, और GS के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 40 मार्क्स के जो अदर क्वेश्चन होते हैं वो है डोमेन होते हैं, मीन्स वो टोटल फार्मेसी पे जो है वो डिपेंड होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी जो 60 मार्क का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो 60 मार्क में जो है वो पिछले साल पूछे गए थे, जनरल नॉलेज का सेक्शन था, उसमें जो है वो क्लासीफाई किए थे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में थे करंट अफेयर ऑफ इंडिया का, करंट अफेयर पूछा जा सकता था। देन इंडियन हिस्ट्री थी, इंडियन ज्योग्राफी थी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, करंट वर्ल्ड इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इंडियन म्यूजिक, डांस एंड कल्चर। तो इस तरह के जो है वो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते थे, और उसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आने वाले थे। देन लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड जो है वो पोर्शन था, उसमें भी जो है वो उसमें से 20 क्वेश्चन पूछने जाए हुए थे। तो बेसिक जो है वो टॉपिक यहाँ से आपको देखते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक थे, एनालॉजी में सिस्टमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस भी कुछ क्वेश्चन थे, वर्ल्ड बिल्डिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग सीरीज के, नॉन होल ब्लॉक सीरीज के क्वेश्चन, देन विजुअल मेमोरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, परसेंटेज एंड एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो इस तरह के जो है वो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो पूछने वाले थे। दे नीचे चलते हैं, दे नीचे इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज के उस पर 20 क्वेश्चन जो है वो आने वाले थे। उसमें देखेंगे इंग्लिश में जो 20 क्वेश्चन थे तो वो कुछ पे पूछे जाएंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंसेस, देन ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रिपोजिशन, कंजक्शन एंड यूज ऑफ ए एंड एंड द, देन एडम एंड फ्रेजेस पे कुछ क्वेश्चन थे। कंप्रेंसेशन में वन पैसेज था, उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो पूछेंगे, और उसमें आपको जो है वो पैसेज देकर आपको उसका आंसर देना है। देन हिंदी था, हिंदी में भी सेम टाइप के जो है वो क्वेश्चन आने वाले थे। नीचे देख सकते हैं हिंदी का 20 क्वेश्चन। तो इस एग्ज़ाम में जो है वो ऑप्शनल था, एक हिंदी अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ हिंदी सॉल्व करना है, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ इंग्लिश ही सॉल्व करना है। तो ये जो लैंग्वेज का पोर्शन था वो ऑप्शनल नहीं था, तो कौन सा भी आप एक सेलेक्ट करके जो है वो सॉल्व कर सकते थे। देन सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन सिलेबस फार्मेसी का, तो उसमें सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट के नाम दिए थे और उस पर क्वेश्चन जो है 40 आने वाले थे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये कुछ बेसिक सिलेबस जो है वो दिया है, डिटेल में कुछ सिलेबस की यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो बात नहीं की, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दिए हैं जो बेसिक सब्जेक्ट है डिप्लोमा के, वो जनरली जो है सीजीएस में बेसिक उस पर क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह की जो है कुछ बेसिक सिलेबस कॉपी थी प्रीवियस ईयर सीजीएस की। अभी कलकत्ता में वैसे कुछ ऑफिशियल साइट पर कुछ सिलेबस वगैरह डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के जो है वो सिलेबस कॉपी पिछले साल सीजीएस में हुई थी। सिर्फ आपको जो है एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पिछले साल 60-40 का पैटर्न था। तो अभी कलकत्ता में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 100 out of 100 क्वेश्चन फार्मेसी के भी हो सकते हैं, नहीं तो 60-40 का जो पैटर्न भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है पिछले ईयर में सीरीज जो हुई थी अब तक की, तो उसमें ये सिलेबस का जो है वो पैटर्न था। तो अभी जो होने वाली एग्ज़ाम तो उसमें पैटर्न ये सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर उसमें लैंग्वेज का पोर्शन आता है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो है वो कई सीरीज में क्या होता है कि इंग्लिश कभी कभी दिया जाता है और हिंदी का पोर्शन नहीं रहता है। कभी कभी एग्जाम में जो है वो दोनों भी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको एक सेलेक्ट करना है और दूसरा जो है वो ऑप्शनल रहता है। बेसिकली अब तक जितने भी सीरीज हुई हैं तो उसमें हिंदी का जो पोर्शन है सबसे ईजी पोर्शन जो है वो माना जाता है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ भी लोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें जो है वो पैसेज दिया रहते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व आपको करने पड़ते हैं, और कुछ सिनोनिम एंटोनिम जो रहते हैं हिंदी में वो भी काफ़ी लेवल तक जो है वो ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश। तो एक बार जब पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तो एक बार ध्यान से देखिए कि कौन सा जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है ऑप्शनल है और आपको जो है वो कौन सा जो है आपको चूज करना है और सॉल्व करना है। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके साथ हमें शेयर करनी थी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।